राजपूताना पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। क्लास बीएससी पार्ट सेकंड में अपन पढ़ रहे थे थर्ड सी में रैखिक अवकल जो समीकरण थे अपने पास अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण। इसमें पीआई निकालने के जो अलग अलग मेथड थे, जब क्यू एक्स क्या दे रखा हो अपने पास अलग अलग टाइप से दे रखा हो, तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था पांच टाइप्स के पी एफ क्यू एक्स दे रखे थे, इसमें से थर्ड तो मैंने मिटा दी। फोर्थ देखो ई की पावर ए एक्स डॉट वी, जहाँ वी एक्स का कोई फंक्शन है, एक्स डॉट वी और जहाँ एक्स स्क्वायर वी, जहाँ वी क्या है एक्स का कोई फलन। तो ये कंडीशन है, तब अपन यहाँ से इसको सबसे पहले थर्ड सी में पढ़ेंगे क्या, कि जब फलन क्या दे रखा हो ए की पावर ए एक्स के रूप में दे रखा। तो नोट कर लो पहले इसको, नेक्स्ट देखो, जब अपने पास दे रखा हो जो अपन फर्स्ट टाइप पढ़े थे थर्ड सी में, कि जब क्यू एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा हो e की पावर ए एक्स, क्यू एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा हो e की पावर ए एक्स, के लिए विशिष्ट समाकलन जिसको बोलते हैं पी आई, क्या होगा, मतलब किस प्रकार से दिया हो, वन अपॉन एफ डी इंटू ई की पावर ए एक्स, ये ज्ञात करना। वन अपॉन एफ डी इंटू की पावर ए एक्स है, ज्ञात है कि जब ये कंडीशन दे रखे हो तो अपन किस प्रकार से पी आई ज्ञात करेंगे। इसके लिए देखो, इसमें दो कंडीशन दे रखे हैं कि एफ डी के अंदर मैंने पहले भी बताया था कि एफ ऑफ डी किस रूप में भी हो सकता है, डी माइनस एल्फा केवल एक फन भी हो सकता है, या फिर डी माइनस एल्फा वन डी माइनस एल्फा टू, ऐसे कुछ टुकड़े भी इसके हो सकते हैं। तो जब अपन डी की जगह वैल्यू रखेंगे एफ ऑफ ए, मतलब डी की जगह क्या रखेंगे अपन, ये रखते हैं आंसर को, तो डी की जगह ए रखते हैं, तो ये तो क्या आएगा एफ ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, या एफ ऑफ ए क्या आएगा नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये दोनों के लिए अपन क्या करेंगे, अलग अलग कंडीशन पढ़ेंगे। तो देखो,
फर्स्ट में पढ़ेंगे केस फर्स्ट स्थिति फर्स्ट जब एफ ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू जीरो कि अपन ई की पावर ए एक्स है, यहाँ से क्या है इसका ही गुणांक ए यहाँ रखेंगे तो क्या है यार, यदि क्या आ रहा है नॉट इक्वल टू जीरो एफ ऑफ ए, क्योंकि डी की जगह ये रखेंगे तो क्या आएगा एफ ऑफ ए, और ये यदि नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है तब कंडीशन तो क्या आएगा पी आई क्या हो जाएगा अपने पास, पी आई इज इक्वल टू वन अपॉन एफ डी इक्वल टू वन अपॉन एफ डी और इंटू ई की पावर ए। ये था जैसे ए वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास वन अपॉन एफ ऑफ ए डॉट ई की पावर ए, पी आई क्या आ जाएगा वन अपॉन एफ ए इंटू ई की पावर ए एक्स। ये कंडीशन कब है, केवल जब एफ ऑफ ए क्या दे रखा है नॉट इक्वल टू जीरो, इसी कंडीशन में ये क्या आ जाएगा इसका पी आई का मान पी आई इज इक्वल टू वन अपॉन एफ डी की पावर ए एक्स। ये तो है ए की जगह डी की जगह ए कर देंगे तो वन अपॉन एफ ए की पावर जब क्या हो अपने पास एफ ओ पे क्या है नॉट इक्वल टू जीरो, तो नोट करो इसको। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, के बाद देखो नोट हो गए वो कि पहली कंडीशन हो चुकी थी अपने पास अब देखो कंडीशन नंबर सेकंड या केस सेकंड की बात करें अपन कि जब एफ ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, जब एफ ऑफ ए क्या होगा जीरो होगा तो इसका मतलब तब अपने पास क्या होगा डी माइनस ए यानी जो गुणनखंड होगा उसका भी एक गुणनखंड क्या होगा जीरो होगा, यानी डी माइनस ए इज इक्वल टू क्या होगा लगभग जीरो के बराबर होगा, और ये जीरो होगा और ये जीरो
एफडी का क्या हुआ, एक गुणनखंड, डी माइनस इज अब जीरो हो रहा है, इसे समीकरण संतुष्ट होगी, तो एफडी का क्या होगा, एक गुणनखंड, यानी डी माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, एफडी का एक क्या होगा, गुणनखंड, क्योंकि वो समीकरण को यदि सेटिस्फाई कर रहा है तो उसको क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। तो एफ डी इज इक्वल टू क्या बच जाएगा, बी माइनस ए की पावर, अपन यहाँ आर भी लिख सकते हैं क्योंकि आर बराबर यदि वन हो भाई, डी माइनस ए भी हो सकता है और भी हो सकते हैं इसके टुकड़े, डी माइनस ए, डी माइनस ए दो बार हो तो भी, आर बराबर वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, थ्री भी हो सकता है, तो और इंटू फाई डी, इंटू क्या बचेगा, फाई डी जो गुणनखंड होगा उसको अलग कर लेंगे, इंटू में क्या बचेगा, डी का फंक्शन, जहां पर फाई डी ऐसा फंक्शन होगा कि इसमें अपन डी की जगह ए रखेंगे तो वैल्यू आएगी नॉट इक्वल टू जीरो, और उदाहरण से समझ में आ जाएगा क्या आएगा, डी माइनस ए की पावर आ इंटू फाई डी जो अवयव होगा वो इस प्रकार होगा कि फाई ऑफ ए क्या आएगा, नॉट इक्वल टू जीरो, तब देन पी आई इज इक्वल टू, पी आई इज इक्वल टू क्या होता है, वन अपॉन एफ डी इंटू क्यू एक्स होता है, तो वन अपॉन एफ डी की जगह देखो, एक तो क्या आ गया फाई डी, एक क्या आ गया डी माइनस ए की पावर, आई डी डी माइनस ए की पावर आर इंटू ए की पावर एक्स, ये होगा। जब अपन ने बताया था कि फाई ए क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो, यानी अपन डी की जगह ए रखेंगे तो क्या आएगा, नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब इसी को क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन क्या हो जाएगा, फाई डी माइनस ए की पावर आर इंटू ए की पावर ए, ये वैल्यू हो जाएगी, और इसको लिख सकते हैं पी आई इज इक्वल टू वन अपॉन फाई ए इंटू एक्स की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू ए की पावर ए एक्स, और यहाँ पर फाई ऑफ ए नॉट इक्वल टू, क्योंकि ये जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा अपने पास, पी आई इंफिनिटी में चला जाएगा वन अपॉन जीरो, तो क्या होगा ये, तो ये थी सेकंड केस, और वो करवा दिया था अपन ने फर्स्ट केस, एक बार दोनों को एक साथ और लिख लेंगे तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, तो इसको नोट करो, केस सेकंड दे रखा था जब एफ ऑफ ए क्या हो नॉट इक्वल टू जीरो, तब डी माइनस ए क्या होगा जीरो के बराबर, और सॉरी जीरो होगा तो डी माइनस ए जीरो, एफ डी का एक गुणनखंड होगा जब ये जीरो हो रहा है तो डी बराबर ए इस समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, तो इसका क्या होगा, एक गुणनखंड, अब चूंकि डी इज इक्वल टू तो अपन ए रखेंगे तो ये तो जीरो हो रही है वैल्यू, तो एफ डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी माइनस ए की पावर आर, यानी इसके फंक्शन एक है या दो है इंटू फाइव डी, अब देखो ये फंक्शन ऐसा होगा जो ए रखेंगे तो वैल्यू जीरो नहीं होगी, यानी फाइव ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, तो पी आई क्या होता है अपने पास, वन अपॉन एफ डी इंटू क्यू एक्स, और एफ डी की वैल्यू क्या है, डी माइनस ए की पावर आर इंटू फाइव डी, ई की पावर ए एक्स है,
और फाई ऑफ ए क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो, तो ए की वैल्यू रख देंगे 1/5 ए माइनस ए की पावर आर ए की पावर एक्स, तो पी आई क्या हो जाएगा 1/5 ए एक्स की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल e की पावर एक्स। नोट कर लो इसको, नोट करें। नेक्स्ट देखो बस, नेक्स्ट है अपने पास ये हो गए पहला जो अपने पास है, अपने इसमें पढ़ने जा रहे हैं थर्ड सी में, केवल इसी प्रकार के क्वेश्चन करेंगे दोनों टाइप से, ये दोनों केस में एक बार और लिख के बता देता हूँ किस टाइप से थे अपने पास। दोनों केस थे अपने पास, कंडीशन नंबर पहली तो थी जब एफ ऑफ ए क्या है नॉट इक्वल टू जीरो, तब पी आई क्या था अपने पास 1/FA इंटू ई की पावर ए, ये था कंडीशन नंबर फर्स्ट की बात कर रहे हैं। कंडीशन नंबर सेकंड की बात करें, जब एफ ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो हो तो d माइनस a इक्वल टू भी क्या होगा जीरो, फिर ये कंडीशन दे रखी हो तो pi क्या निकाला था, भी क्या निकाला था अपने को 1/ जब d रखेंगे एक तो क्या बचेगा phi a, ये बचेगा 1/ phi a इनटू इसका क्या हो जाता था जो भी फलन होगा x होगा तो x की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल इंटू e की पावर एक, ये अपने पास क्या हो जाएगा इसका मान। ये दोनों वैल्यू आपको कंटेस्ट याद रखनी है, थर्ड सी सॉल्व करेंगे तो केवल ये दोनों ही मेथड अपने पास काम में आएंगे। फर्स्ट पी आई निकालने के लिए 1/FA e की पावर x, सेकेंड निकालने की 1/5 एक्स की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू ई की पावर एक्स। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। क्योंकि प्रत्येक की जो वैल्यू पढ़नी होती है उसके लिए अपने को जैसे थर्ड ए में पढ़ेंगे तो ये वैल्यू, थर्ड ए में केवल सी एफ निकालनी बताई थी, थर्ड ए में क्या था केवल सी एफ निकालना, थर्ड बी में सी एफ और पी आई निकालना था, और अपने पास थर्ड बी में जो पी आई निकालने केवल क्या बताए थे जनरल मेथड बताया था। अब देखो इनकी जो शॉर्ट मेथड बताने जा रहे हैं, तो मैंने क्यू एक्स का तो बता दिया था सारे किस प्रकार से लिखते हैं क्यू एक्स को अलग अलग टाइप में। अब ये बच रहा था कि पहले अपन क्रम वाइज जो पांच वैल्यू पड़ी थी क्यू एक्स की उनके क्रम से पढ़ते हैं, थर्ड सी में पढ़ेंगे अपन जब क्यू एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है अपने को ई की पावर एक्स,
और इसमें भी केवल क्या पढ़ी थी अपने, दो कंडीशन पढ़ी हैं, जब एफ ए नॉट इक्वल टू जीरो हो और एफ इज इक्वल टू जीरो। नोट कर लो,